Assalamualaikum students, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जो कि है स्टडी ऑफ मलेरिया, जो कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल है उस प्रोसेस की, बायोलॉजिकल मेथड की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा स्टडी किया। तो इसके अंदर हम लोग वन बाय वन सारा स्टडी करेंगे कि कैसे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सिंपल वेज के थ्रू सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मलेरिया का मतलब क्या होता है। मलेरिया दो वर्ड से डिराइव किया गया, इटालियन वर्ड से डिराइव किया गया। वो वर्ड्स कौन से हैं? वो है माला प्लस एरिया। माला का मतलब क्या होता है? माला का मतलब होता है बेड और एरिया का मतलब होता है एयर। ये दो वर्ड्स मिलकर बनाते हैं मलेरिया। ऑलमोस्ट उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने मलेरिया को क्यों माला एरिया से माखूज किया, टाइम के लोगों का ये कहना था कि जो लोग मार्शी एरियाज में, दलदल वाले एरिया में, गंदे एरिया में रहते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर पीपल बहुत ज्यादा होते हैं। टाइम पे 17th सेंचुरी में एक न्यू वर्ल्ड, एक न्यू कंट्री डिस्कवर हुई जिसका नाम था अमेरिका। वहां से कुछ ट्रीज जो कि यूरोप सेंड किए गए, जिन ट्रीज में कुछ बार्क मौजूद थी जिसको क्यूना क्यूना का नाम दिया गया, जिससे एक मेडिसिन बनाई गई क्यूनिन। ये उस टाइम पे मलेरिया के इलाज के लिए यूज की जाती थी। जो लोग इस मलेरिया की बीमारी का शिकार हो जाते थे, क्यूनिन यूज करने से उनकी बीमारी खत्म होने के चांसेस ज्यादा होते थे। इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि क्यूनिन उस टाइम पे मलेरिया की मेडिसिन के लिए या मलेरिया को खत्म करने के लिए एक मौसर दवा के तौर पर यूज की जा रही थी। इसके बाद कुछ मर्चेंट्स ने बेईमानी की, डिसऑनेस्टी की, और उन्होंने क्यूनिन की जगह पे एक और बार को सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। उस बार का नाम था सिंकोना। लेकिन उस टाइम मर्चेंट्स की ये डिसऑनेस्टी जो थी वो फायदेमंद साबित हुई, और सिंकोना भी मलेरिया के क्योर के लिए काफी हद तक मुफीद साबित हुई। इसके बाद जासूस में थे कि वो पता करें कि ये जो डिजीज है मलेरिया, इसकी रीजन क्या है और ये किस वजह से हो रही है, इसके पीछे किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं जो कि इस तरह की डिजीज को कॉज करवाने के जिम्मेदार हैं। उस टाइम का एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था जिसने, जिसका नाम लेवरॉन था, 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन जिसका नाम लेवरॉन था, इसने मलेरिया के मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज दिया। इसने कहा कि ये जो मलेरिया है, इसने से जो इन्फेक्टेड पीपल थे, इसने उन लोगों के ब्लड स्ट्रीम को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया। तो इसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज दिया जिसके मुताबिक ये था कि उसने उन ब्लड सेल्स के अंदर कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ टाइनी ऑर्गेनिजम्स देखे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे, और इसने एक बयान दिया इस फिजिशियन ने कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस बीमारी को करवाने के जिम्मेदार हैं। उस टाइम पे लोगों को ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आइडिया नहीं था, उस टाइम पे लोगों ने इसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, 2 साल गुजरे तो एक और फिजिशियन आया जिसने सेम वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर ऑब्जर्व किए। तो उसने भी यही बयान दिया कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मलेरिया कॉज करवाने के जिम्मेदार है। जो फर्स्ट स्टेप था, दिस वॉज रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये हमारे पास
पास जो पॉइंट था डेट वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो ये जो साइंटिस्ट था जिसने 2 साल के बाद वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का. याद रखिएगा ये जो प्लाज्मोडियम है ये उन टाइनी ऑर्गेनिज्म का नाम है जो कि मलेरिया कॉज करवाने की एक बड़ी वजह थे. इसके बाद ऑलमोस्ट 19th century के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन की गई. सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन का पॉइंट. तो सेकेंड नंबर पे कुछ 19th century के अंदर ऑब्जर्वेशन की गई जिसके अकॉर्डिंग मेन 4 ऑब्जर्वेशंस बनाई गई. पहले नंबर पर तो ये कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का किसी हद तक ताल्लुक था मलेरिया. दूसरे नंबर पे साइंटिस्ट ने कहा कि उस टाइम पे मौजूद जो क्यूनिन थी जो कि एज ए मेडिसन यूज हो रही थी मलेरिया के लिए वो एक मौसर दवा थी. तीसरे नंबर पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि साइंटिस्ट ने वहां के मार्शी एरिया के पानी को पीकर कुछ अंदाजा लगाया. उन्होंने जब वो कुछ ऑब्जर्वेशन की तो उन्होंने कहा कि मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता. तो चौथे नंबर पे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आई वो यही थी जो कि एक फिजिशियन ने हमें बताया कि प्लाज्मोडियम प्रेजेंट थे ब्लड स्टीम के अंदर. तो इसके बाद हमारे पास स्टेप आना था वो हाइपोथेसिस का कि टेंटेटिव हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि मजीद रिडक्शन एक्सपेरिमेंटेशन करने में आसानी हो. क्वेश्चन के बाद हमारे पास जो थर्ड नंबर पे पॉइंट आता है वो है हाइपोथेसिस का. तो एक ऐसा बयान जिसके ऊपर ऑलमोस्ट तमाम साइंटिस्ट एग्री कर चुके थे वो यही था कि प्लाज्मोडियम आर द मेजर रीजन ऑफ मलेरिया. कि मलेरिया के होने की जो मेजर रीजन थी वो प्लाज्मोडियम ही थे. डिडक्शन एक लॉजिकल रीजन है हाइपोथेसिस की जिसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था जिसके अंदर 2 कंडीशंस होती हैं या तो इफ की और देन की. कुछ साइंटिस्ट ने डिडक्शंस बनाई. उन्होंने कहा हमारे पास डिडक्शंस बनाई गई तो साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं. अगर तो प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है मलेरिया कॉज करने की वजह है तो हर उस पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए जो कि मलेरिया का पेशेंट है. हर उस मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम या ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स मौजूद होने चाहिए. उसके बाद डिफरेंट तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो नेक्स्ट स्टेप था जो कि साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया वो था एक्सपेरिमेंटेशन का. डिफरेंट तरह के तजुर्बात किए गए जिन तजुर्बात की बिना पर उन्होंने ये चीज देखी कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करने की बड़ी वजह थे. साइंटिस्ट ने कुछ 100 पेशेंट्स लिए और उनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया. एक कंट्रोल ग्रुप के साथ उसके साथ उन्होंने 100 हेल्दी पीपल लिए. इसने क्या चीज ऑब्जर्व की. उन्होंने देखा कि ये जो 100 पेशेंट थे इन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था और ये जो 100 हेल्दी पीपल थे इसमें से 100 में से 7 लोग उन्होंने ऐसे ऑब्जर्व किए पेशेंट्स ने जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड में था. उनके अंदर ये मलेरिया की डिजीज कॉज हो रही थी. उसके कुछ दिन बाद जब साइंटिस्ट ने 7 पीपल को ऑब्जर्व किया
किया तो इन लोगों को भी मलेरिया हो चुका था, और इनके ब्लड में भी वही टाइनी ऑर्गेनिजम्स, वही प्लाज्मोडियम मौजूद था जो कि 100 पेशेंट्स में था। जिसने एक्सपेरिमेंटल वर्क के थ्रू इस चीज का प्रूफ ले लिया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया कॉज करने की असल वजह थे। लेकिन हमारे पास स्टिल एक क्वेश्चन मौजूद था, वो क्वेश्चन ये था कि एक इंसान के अंदर ये प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे होता है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मौजूद थी, कुछ मेन टू ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास मौजूद थी। एक तो ये थी कि मार्शी एरियाज और मलेरिया का कुछ ना कुछ ताल्लुक मौजूद था। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर डजंट कॉज मलेरिया। अब 1883 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था A.F.A. किंग। उसने हमें मजीद कुछ इंफॉर्मेटिव ऑब्जर्वेशंस दी, उसने ऑलमोस्ट 20 ऑब्जर्वेशंस की। जिसमें से 3 ऑब्जर्वेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो 3 ऑब्जर्वेशंस कौन सी थी? सबसे पहले जो उसने ऑब्जर्वेशन की, उसने कहा कि जो लोग घर में सोते हैं, इंडोर्स में ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस बहुत कम थे। दूसरे नंबर पे एक कंडीशन ये थी कि जो लोग बाहर आउटडोर्स में ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो वहां सोते हैं, उन लोगों के अंदर मलेरिया होने के चांसेस एज कंपेयर टू अदर पीपल बहुत ज्यादा थे। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि फायर्स के नजदीक जो लोग सोते हैं, धुएं के नजदीक जो लोग सोते हैं, उन लोगों को मलेरिया होने के चांसेस बहुत हद तक कम थे। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो थी वो एक ही सिम्ट में इशारा कर रही थी, एक ही हाइपोथेसिस हमें क्लियर दे रही थी कि मॉस्किटोज प्लेस अ रोल ऑफ ए वेक्टर विच ट्रांसमिट अ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और इस हवाले से एक और साइंटिस्ट जिसका नाम है रोनाल्ड रॉस, जिसने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर उसने मॉस्किटोज को यूज किया। उसने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर उसने एक फीमेल मॉस्किटो को यूज किया जिसका नाम है एनोफिलीज। इस एनोफिलीज को उसने यूज किया, इसने क्या किया, इस एनोफिलीज से कट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को। कुछ डेज के बाद रोनाल्ड रॉस ने इस एनोफिलीज को ऑब्जर्व किया कि इसके स्टमक के अंदर भी वही प्लाज्मोडियम, वही टाइनी ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे थे जो कि मलेरिया पेशेंट के ब्लड में थे। देन उस टाइम पे एनोफिलीज से एक हेल्दी पर्सन को कट करवाना, बाइट करवाना हार्मफुल और फेटल प्रूव हो सकता था। उसने अपना एक्सपेरिमेंट रीअरेंज किया और उसने एनोफिलीज की जगह एक और फीमेल मॉस्किटो ली जिसका नाम है क्यूलिक्स। उसने क्यूलिक्स के साथ ही सेम वही प्रोसेस किया कि क्यूलिक्स से उसने एक अनहेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। उस साइंटिस्ट ने कुछ डेज के बाद जब क्यूलिक्स को ऑब्जर्व किया तो इसने देखा कि उसके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, और फिर वही प्लाज्मोडियम उसके स्लाइवा में आ जाता है। उसने जब क्यूलेक्स से एक स्पैरो को बाइट करवाया तो कुछ डेज के बाद स्पैरो को भी मलेरिया हो गया, जिससे एक चीज साबित हो गई कि मॉस्किटोज ही वेक्टर का रोल प्ले कर रहे थे मलेरिया को एक से दूसरी में ट्रांसमिट करने के लिए। लास्ट 1895 में ऑलमोस्ट एक साइंटिस्ट आया जिसने सेम फीमेल मॉस्किटो एनोफिलीज को यूज किया और इसने एक अनहेल्दी पर्सन से बाइट करवाया एनोफिलीज को, और उस मॉस्किटो को अलाउ
था कि वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करे। जब वही डिजीज उसने एक हेल्दी पर्सन में देखी, मलेरिया जो कि डिजीज थी, तो उसने ये चीज प्रूव कर दी, हमें एज ए रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट हमारे पास उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का निकल आया कि मॉस्किटोज ही एक रीजन था जो कि प्लाज्मोडियम को एक अनहेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करवा रहा था।